Hey guys, Rrb Ntpc Cbt 17 phase 23rd July का जो एग्ज़ाम हुआ उसका अगर तुमने क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर रिव्यू देखे होंगे तो तुम्हें पता चला होगा कि जो क्वेश्चन का जो लेवल था इट वॉज ईजी टू मॉडरेट। क्वेश्चन बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, ऐसा कुछ भी अलग नहीं था। मतलब इतना टाइम मिलने के बाद ऐसा लगा था कुछ तो हाइप होगा ही ना कि यार लेवल में, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो ये एक कंसर्न की बात तो है ही यार, 6-7 महीने बाद तुम किसी का एग्ज़ाम कर रहे हो, फिर भी लेवल वैसे ही है जो लेवल सेकेंड फर्स्ट फेज का था, तो डिफरेंस क्या रह जाता है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब जैसे हाईटेक का फुल फॉर्म बताओ, पिकॉक के साइंटिफिक नेम एंड ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रा सबके क्वेश्चन बहुत इजी टाइप के आए हुए थे, और जनरल अवेयरनेस भी बहुत ही इजी एकदम। ऐसा जिसने भी 6 फेज के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे अगर उसको अगर पढ़ के जा गए होंगे तो बहुत ही ज़्यादा एक सहूलियत मिली होगी, बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम को कर पाए होंगे। अटेंडेंस कुछ खास नहीं रहा है, अटेंडेंस में मतलब आई थिंक इट वाज लाइक 50% काइंड ऑफ अटेंडेंस रही है। सो अटेंडेंस एज यूजुअल 6 फेज तक भी देखा जाए तो अटेंडेंस कम ही रही थी, तो यहाँ पे भी अटेंडेंस बहुत ही कम रही है। तो एक इसको पॉजिटिव साइन भी ले सकते हो, नेगेटिव साइन भी ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू राइट। तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम रहा था इट वाज इजी टू मॉडरेट, कुछ भी लेवल हाई नहीं दिखा जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे, इट वाज इजी टू मॉडरेट। सो थोड़ा सा मैं इससे खुश नहीं हूँ बेसिकली, इससे ही बताओ तो, क्योंकि यार एक इंसान जो 28 दिसंबर को एग्ज़ाम दे रहा है और जो 23 जुलाई को एग्ज़ाम दे रहा है, ऑलमोस्ट 8 महीने बाद इन दोनों का लेवल सेम रख रहे हो, तो ये तो कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है भाई। तो यार मेरा तो यही कहना है, आगे तुमने रिव्यू तो देखा ही होगा, और दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो, हैव ए ग्रेट डे।